श्री राम कृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 117 परिच्छेद 19 विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश गीता 2:20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग क्या आत्महत्या है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 3-4 ब्राह्म भक्त भी हैं। बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 ईस्वी सन श्री राम कृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री राम कृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं, वे प्रायः दूसरे ही समय में आते हैं। श्री राम कृष्ण अपने तखत पर बैठे हुए हैं। विजय, बलराम, मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिमास्य बैठे हैं। कोई चटाई पर तो कोई फर्श पर ही बैठा है। कमरे के पश्चिम ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही हैं। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्ध गोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुश्ता है। पुश्ते के पश्चिम अंग से सटकर पुण्य सलीला कलुष हारिणी गंगा मानो ईश्वर मंदिर के पाद मूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है। ठंड काल है, इसीलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं। विजय को शूल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वे अपने साथ दवा की शीशी ले आए हैं। दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे। इस समय विजय साधारण ब्राह्म समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है, परंतु आजकल समाज के साथ उनके अनेक विषयों पर मतभेद हो रहे हैं। क्या किया जाए, नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कह सकते हैं और न कर ही सकते हैं। विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं। अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार परब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, पर साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है। वे हरि प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे, इतने आत्मविस्मृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग के वस्त्र तक खिसक जाते थे। विजय भी ब्राह्म समाज में आए हैं, निराकार परब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए वे भगवान श्री राम कृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मंत्रमुग्ध सर्प जिस प्रकार सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है, उसी प्रकार विजय भी श्री राम कृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तब विजय भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं। विष्णु एंडे दह में रहता था, उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की चर्चा हो रही है। श्री राम कृष्ण, देखो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब से यहाँ सुना मन दुखी हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, पर कहता था संसार अच्छा नहीं लगता, पश्चिम चला गया था। किसी आत्मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा, वहाँ निर्जन वन में मैदान में पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था।
उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ। जान पड़ता है यहाँ अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था, कुछ बाकी रह गया था, वहाँ भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य शव साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था, परंतु वहाँ अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत को उसे बाघ पकड़ ले गया। वही एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अन्य सामग्रियां इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करते ही माँ प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वह बोला, माँ एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई, प्रसन्न तुम मुझ पर हुई, जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं है, तुम जन्म जन्म से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले, अब कहो क्या वर चाहते हो। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग। एक भक्त बोल उठे, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री राम कृष्ण। आत्महत्या करना महापाप है, घूम फिर कर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है, परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के साचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिट्टी का साचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए, वराह नगर से एक लड़का आता था, उम्र कोई 20 साल की होगी, नाम गोपाल सेन था। जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़े रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाए। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और ना आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। गीता 9:33। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जीव के चार दर्जे, बद्ध जीव के लक्षण, कामिनी कांचन। श्री राम कृष्ण। जीव चार दर्जे के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव मछली। ईश्वर यह संसार जिनकी माया है, मछुए हैं। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं, तब कुछ मछलियां जाल चीर कर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती है उनमें से सभी नहीं भाग सकती। दो चार मछलियां ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं, तब लोग कहते हैं वहां बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही दो चार मनुष्य मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्रायः अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं। फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं, अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं। ये ही बद्ध जीव है। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं। कलंक सागर में मग्न है पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में है। जो मुमुक्षु या मुक्त है,
संसार उन्हें को जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोई कोई ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता। कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। श्री राम कृष्ण। ऊंट कटीली घास को बड़ी चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए, औरत गुजर गई या बच्चलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल सवारती, जूड़ा बांधती और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता। ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छछुंदर वाली गति होती है, ना निगल सके ना उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वहां उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा, उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश के पत्ते खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय ही नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वहां तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वहां हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हंडी में रख दो तो वह मर जाएगा। सब स्तब्ध है। गीता 6:35। असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव विजय। बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। श्री राम कृष्ण। ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता, संसार को वह कुआ समझता है, उसे जान पड़ता है कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है, उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर ले तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यहाँ उसके मन में आता ही नहीं, भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई, किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था, उसने एक दिन शपथ ली, जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ, उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वहाँ काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया।
तब उसकी स्त्री खेत पर जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं, तुम तो हर काम में हट करते हो। काम कल करना या भोजन के बाद करना? गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा और बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता? खेती का काम सब पड़ा है, अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कल कल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खुर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई, चलो अब इतना काम नहीं करते। तब वह चुपचाप कुदाल एक ओर रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चलो। सब हंसते हैं। वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हठ बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। गीता 2:70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कामिनी कांचन के लिए दासत्व। श्री राम कृष्ण, पहले तुम इतना आते थे पर अब क्यों नहीं आते? विजय, यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूँ, ब्राह्म समाज में नौकरी करता हूँ। श्री राम कृष्ण, कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं, जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है, फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करते थे, तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा, वे खुद हाजिर होते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्न प्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भक्तिन वाली कहावत तो जानते हो ना? नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सबके सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मग्न हो गए। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर ही नहीं, भाटा हो गया, तथापि ध्यान भंग न हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे, आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए, वीरभद्र से साक्षात नहीं किया। रहे 1200 भगत, वे वीरभद्र के पास लौट कर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भगतीने तुम्हारी सेवा करेंगी,
तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु हम में से 100 न जाने कहाँ चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवादासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। विजय से, तुम लोग स्वयं यहाँ देखते हो, दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहे हो। और देखो, इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके यहाँ हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए यहाँ अपमान, दासता की यहाँ इतनी मार। ईश्वर लाभ के उपरांत कामिनी की मातृभाव से पूजा। श्री राम कृष्ण, यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाए, तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामिनी छोटा चुंबक पत्थर है, तो भला कामिनी क्या कर सकेगी? एक भक्त, महाराज स्त्रियों से घृणा करें? श्री राम कृष्ण, जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है, वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। विजय से, तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। विजय, ब्राह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता, अवकाश मिलने पर आऊंगा। श्री राम कृष्ण, देखो आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए, तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर आते थे, वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुलगपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की सख्त मनाई है, ना मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं जाता था। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है, उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है, ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। सच्चिदानंद ही गुरु और मुक्तिदाता है। विजय, महाराज ब्राह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? श्री राम कृष्ण, मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है, वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल कि जीवों का भव बंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तल्ले की ओर जा रहा था। एक मेंढक की आवाज सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद जब लौटने लगा,
तब भी उस मेंढक की पुकार शुरू ही थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़ियाला सांप उस मेंढक को पकड़े हुए है, न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेंढक की भी भव व्यथा दूर ही नहीं होती है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो तीन ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसीलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार तीन ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भव बंधन की फांस ही कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। गीता 3:27। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। माया या अहम बुद्धि का नाश और ईश्वर दर्शन। विजय। महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री राम कृष्ण। जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली। यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूँ यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों ना हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते। उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो, तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूँ। अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, प्रेम गीतों की तान मुंह से आप ही आप निकल पड़ती है। और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर, ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो, परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछलकर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है, वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कोन्नगर गए। हृदय साथ था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा, वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो? उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना, इसके धन हो गया है। इसी से आवाज किरकिराने लगी। हृदय हंसने लगा। किसी मेंढक के पास 1 रुपया था, वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांग गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला, तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांग जाए? रुपए का इतना अहंकार होता है। अहंकार कब जाता है? ब्रह्म ज्ञान की अवस्था सप्त भूमि। श्री राम कृष्ण। ज्ञान लाभ होने से
अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है, जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है, और ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है, समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रायः प्रथम तीन भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि, ये ही वे तीन भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामिनी कांचन की ओर खिंचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होते हैं। वहां मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, यहाँ क्या, यहाँ क्या है। इसके बाद मन कंठ में आता है, तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या भौहों के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि होती है। विजय, वहां पहुंचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है। श्री राम कृष्ण, सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है मुंह से नहीं कहा जा सकता। नमक की गुड़िया समुन्दर नापने गई, किंतु जैसे पानी में उतरी वैसे ही गल गई। अब समुन्दर के गहराई की खबर कौन देगी, जो देगी वही तो उसके साथ मिल गई। सप्तम भूमि में मन का नाश होता है, समाधि होती है। क्या अनुभव होता है वह मुंह से नहीं कहा जाता। अहम जाता नहीं है, बदमाश मैं, दास मैं। श्री राम कृष्ण, जो मैं संसारी बनता है, कामिनी कांचन में फंसता है, वह बदमाश मैं है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी दो हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में है वह एक ही पानी। लाठी के कारण उसके दो हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम ही है, लाठी उठा लो वही एक जल रह जाएगा। बदमाश मैं वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है। यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है, इतने पर भी उसे नहीं छोड़ता, पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश मैं कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, उफ इतनी हिम्मत। विजय, यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री राम कृष्ण, समाधि प्राप्त होकर एक दो मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का तो रहने दो साले को दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्ल शूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म बुद्धि अहम बुद्धि नहीं मिटती, इसलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पद सीधा पथ है, हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जल राशि पर बिना बांस रखे ही
एक रेखा खींची गई है, मानो जल के दो भाग हो गए हैं। परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास मैं या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र है। गीता 12:5। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। भक्ति योग ही युग धर्म है। ज्ञान योग की विशेष कठिनता दास में, भक्त में और बालक में। विजय महाराज, आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास मैं में दोष नहीं? श्री राम कृष्ण, नहीं, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। विजय, अच्छा, तो दास मैं वाले के काम क्रोधादि कैसे होते हैं? श्री राम कृष्ण, अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहा, तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहाँ पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं, उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रज तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी ही जल्दी वहां उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझा कर फुसला लो, पहले तो वह बहक कर कहेगा, नहीं मैं न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है, और लड़के के लिए सभी बराबर है, ये बड़े हैं, यह छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं, इसीलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं है। माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह कलार हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूँ, तुम भगवान हो, यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है, संपूर्ण मैं नहीं दूर होता, और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है, यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूँ, तू माँ है, वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। विजय, जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। श्री राम कृष्ण, हाँ, विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्त भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है। सप्तम भूमि पर मन के पहुंचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कली में जीवों का प्राण अन्नगत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है? ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न 24 तत्व हूँ, मैं सुख और दुख से परे हूँ, मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु? ऐसा बोध कलिकाल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो,
देहात्म बुद्धि कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका, पर दूसरे दिन सवेरे उसमें कंखा निकला हुआ ही देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता, इसीलिए कलिकाल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता, चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि मैं कहूँ मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। पांचवी और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। छठी भूमि को पार कर सप्तम भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूँगा, यही मेरी इच्छा है। सेव्य सेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो, ये तरंगे गंगा ही की है, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूँ, यहाँ अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है, फिर वहाँ आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है, वहाँ दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। अपनी स्थिति का हाल वहाँ नहीं समझ पाता। भक्ति के दो प्रकार, उत्तम अधिकारी, ईश्वर दर्शन का उपाय। श्री राम कृष्ण, परंतु भेड़िया धसान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रेमा भक्ति का एक और नाम है राग भक्ति। प्रेम या अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और एक प्रकार की भक्ति है, उसका नाम है वैधि भक्ति। इतना जप करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, बलिदान देना होगा, यह सब वैधि भक्ति है। इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः राग भक्ति होती है। जब तक राग भक्ति न होगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे, उन्हें प्यार करना चाहिए। जब संसार बुद्धि बिल्कुल चली जाएगी, 16 आना मन उन्हीं पर लग जाएगा, तब वे मिलेंगे। परंतु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध। बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रहलाद। विधिवादी भक्ति कैसी है, जैसे हवा लगने के लिए पंखा झलना। हवा के लिए पंखे की जरूरत है, ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि विधियां मानी जाती हैं। परंतु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है तब लोग पंखा रख देते हैं। ईश्वर पर अनुराग प्रेम आप आ जाने से जप, तप आदि कर्म छूट जाते हैं। भगवत प्रेम में मस्त हो जाने से वैध कर्म करने के लिए फिर किसको समय है। जब तक उन पर प्यार नहीं होगा, जब तक वहाँ भक्ति कच्ची भक्ति है, जब उन पर प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की भक्ति कहलाती है। जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही सिल्वर नाइट्रेट लगी हो तो चित्र उस पर पड़ता है, वह ज्यों का त्यों उतर जाता है। परंतु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाएं, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा कि वह ज्यों का त्यों सफेद शीशा। ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती। विजय महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे, तो क्या सिर्फ भक्ति से काम सध जाएगा? श्री राम कृष्ण, हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं, परंतु पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, राग भक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है, जैसा बच्चों का माँ पर प्यार, माँ का बच्चे पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है। इस प्यार, इस राग भक्ति के होने पर
स्त्री पुत्र और आत्मीय परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता, फिर तो उन पर दया होती है। घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है, उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमि का ख्याल आता है। जैसे घर देहात में और कलकत्ते में कर्म भूमि, कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। दिया सलाई अगर भीगी हुई हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। 200 दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती हैं। विषयासक्त मन भीगी दिया सलाई है। श्रीमती राधिका ने जब कहा, मैं सर्वत्र कृष्णमय देखती हूँ, तब सखियां बोली, कहाँ, हम तो उन्हें नहीं देखती, तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो। श्रीमती बोली, सखियों, नेत्रों में अनुराग का अंजन लगा लो, तभी उन्हें देखोगी। विजय से, तुम्हारे ब्राह्म समाज ही के भजन में है प्रभो, बिना अनुराग के यज्ञ यागादि करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है। यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। ईश्वर दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता। विजय, महाराज क्या किया जाए जो ईश्वर दर्शन हो। श्री राम कृष्ण, चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कामिनी कांचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया है, सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता, मिट्टी साफ कर देने ही से चुंबक खींचता है। मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है। हे ईश्वर, अब ऐसा काम न करूंगा। यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैल धुल जाता है, तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है, तब समाधि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। परंतु चेष्टा चाहे जितनी करो, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। उनकी कृपा बिना उनके दर्शन नहीं मिलते, और कृपा भी क्या सहज ही होती है। अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। मैं करता हूँ, इस ज्ञान के रहते ईश्वर दर्शन नहीं होते। भंडार में अगर कोई हो और तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीजें निकाल दीजिए, तो वह यही कहता है तो वहां एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊं। जो खुद कर्ता बन बैठा है उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते। कृपा होने से दर्शन होते हैं, वे ज्ञान सूर्य हैं। उनकी एक ही किरण से संसार में यहाँ ज्ञानालोक फैला हुआ है। उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विद्याएं सीखते हैं। अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुंह के सामने रखे तो दर्शन हो जाएंगे। सार्जेंट रात को अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुंह कोई नहीं देख पाता, पर उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है और आपस में सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। यदि कोई सार्जेंट को देखना चाहे तो उससे विनती करे, कहे, साहब जरा लालटेन अपने मुंह के सामने लगाइए, आपको एक नजर देख लो। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूंगा। घर में यदि दीपक न जले तो वह दारिद्र का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का श्रीमुख देखो। विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं, श्री राम कृष्ण के सामने पियेंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्री राम कृष्ण ने पानी मंगवाया। श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु है। विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ है, इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं।
इस बार बलराम को भेजा था। किराया बलराम देंगे। विजय बलराम के साथ आए हैं। शाम के समय विजय, नव कुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी साथ हो गए। नाव बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट पर लगाई गई। जब ये लोग उतरकर बाग बाजार में बलराम के मकान के निकट पहुंचे, तब चांदनी फैलने लगी थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, ठंडी का मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। हृदय में श्री राम कृष्ण की आनंदमय मूर्ति का चिंतन तथा उनके अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए विजय, बलराम, मास्टर आदि अपने अपने घर पहुंचे।